तो है गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बैक साइड में यानी पीछे मेरे ये आम का पेड़ है, मैंगो ट्री है। यानी हम लोग वहाँ से चल करके, वहाँ भी दिख रहे हैं, ये रोड दिख रहा है, वहाँ से हम लोग चल करके वहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। क्यों भाई, हम लोग अपने लोकेशन में पहुँच गए ना भाई? हाँ, पहुँच गए। तो गाइस, हम लोग अपने लोकेशन में पहुँच गए, बस कुछ ही दूरी पर है हमारा ये ताल गाँव का। तो अभी वहाँ चलते हैं। और मेरे पास में देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, यानी दो व्यक्ति हैं, क्या कहते हैं, बाबा लगेंगे। तो वो लोग हम सोहनी वगैरह कर रहे हैं खेत में। तो चलिए थोड़ा उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है खेती गृहस्थी करना। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं। तो अब हम उनके पास चल रहे हैं, बाबा जी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और खेती करना कितना डिफिकल्ट होता है। जिन लोग को कहते हैं खेती करना बहुत आसान है, उनके लिए ये न्यूज में देना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं उनके पास। तो अब हम थोड़ा पूछते हैं, बाबा सोहनी होता है देख खेत खर उगल बना को ना? बहुत खर उगल बना सब। उखरा जाए कि नहीं आज? अच्छा, ये सोहनी का बहुत कठिन काम होला ना? अरे सबके मान के बा, सबके मान के बस के बात ना बा। तू कहले बा? देखिए बाबा जी पूछ रहे हमसे कि तू कहले बा? नहीं बाबा, हमसे ना पर तब छिला जाए को केना छोटू कहली। हम से पूरा पूरा मुट्ठा मुट्ठा घास दे। कहीं चला घसिया निकाल निकाल खासी बोझ बोझ पेड़ गाजल करिया। कहता दूसर कार कह मगर सोनी कर ना कह तू कार ना है। बाप रे बाप, सच में बहुत मतलब कठिन काम बा ये सोनी के। आई उठर ना रहले उतर ना रहले कोठा पर से। तो अब देख रहे हैं कितना कठिन होता है खेती गृहस्थी करना। अभी ये सोनी वाला धान के बारिश ना होने में देखे धान के पत्ती जो है किस तरह सूख गए हैं ना बाबा? सूखा पत्ता होता है, सूख गए कि सूख गए? अब तो दवाई आई कल पूजा उखाड़ के ले गई बानी। देख लीजिए कि एक किसान अपने खेत के लिए कितना ज़्यादा कठिन काम करता है, तब जाके उसे अन्न की प्राप्ति होती है। सबसे हो जाएगा बताइएगा, सबकी बस की बात नहीं है। इस तरह हाथों से यहाँ घास फूस जितना उखाड़ना वगैरह,